थोड़ा सेटबैक है। देखिए, कायदे से जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने हवाला जैन हवाला केस में ले डाउन किया था कि अगर किसी औद्योगिक घराने के छापे में ऐसी कोई डायरी या कागज़ मिलते हैं या दस्तावेज़ मिलते हैं जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि कई पब्लिक सर्वेंट्स को उन्होंने पैसे दिए, तो उसकी जांच होना ज़रूरी है क्योंकि वो प्राइमा फेसी एविडेंस है कि भाई पैसे दिए। आज वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये पूछने लगे कि भाई ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है ये सही है। अब सही तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे बिरला के जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए उसमें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे पूछताछ भी करी और उन लोगों ने ये माना कि हाँ हमारे पास हवाला के करोड़ों रुपए आते थे, हर 2-4 दिन में 50 लाख या 1 करोड़ आते थे और हम उनको जो हमारा जो ग्रुप प्रेसिडेंट है शुभेंदु अमिताभ उसके कहने पर ये पैसा अलग अलग बड़े बड़े लोगों को ले जाकर देते थे। वो बताता था किसको दिया और इसका हम लोग कोई अपने अकाउंट में नहीं डालते थे, तो ये अनअकाउंटेड पैसा था और जाहिर है कि घूस की तरह दिया जा रहा था, जिसकी पुष्टि उस बिरला के अफसर ने खुद करी जो कि वो कैश हैंडल करता था। इसी तरह से सहारा के जो दस्तावेज़ पकड़े गए उसमें इतना डिटेल लिखा है कि किस किस दिन कितना कितना पैसा आया, कहाँ से आया कैश, और किस किस दिन वो कैश किस किस को दिया, कहाँ पर दिया, किसके हाथ में दिया और किसने ले जाकर दिया। और साथ में ये भी क्लियर है कि जिन लोगों के नाम लिखे हैं कि जिन्होंने ले जाकर दिया वो लोग सब सहारा के एम्प्लॉयज़ थे और जो उनका प्रेसिडेंट है सुब्रोटो रॉय सहारा उसके दफ्तर में काम करते थे। तो इतना डिटेल कोई फर्जी, अगर कोई फर्जी बनाएगा भी तो इतना डिटेल नहीं लिखता। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट में आज उनको दस्तावेज़ पढ़े भी नहीं जा रहे थे पूरे ठीक से, क्योंकि हम लोगों ने तो ओरिजिनल दस्तावेज़ की फ़ोटोकॉपीज लगा दी थी जो कि बहुत साफ़ नहीं थी। तो अब उसको टाइप कराकर हम लोग फाइल करेंगे, थोड़ा और जो हमारे पास एविडेंस उसके बाद आया है वो भी फाइल करेंगे और अब 14 दिसंबर को सुनवाई होगी इसकी और उम्मीद है कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आएगा कि भाई इसकी जांच तो होना ज़रूरी है। 14 नवंबर को जो नेक्स्ट हियरिंग है उस पे आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? नहीं, उनको हम यही दिखाएंगे कि भाई देखिए इतने सारा इसमें एविडेंस है, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, ये दिखाने के लिए कि ये दस्तावेज़ जो पकड़े गए हैं ये फर्जी नहीं बनाए गए हैं। इसमें जो कुछ हो रहा था उन कंपनियों में, जो पैसा आ रहा था जा रहा था, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है और इसलिए इसकी जांच जो जैन हवाला केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ले डाउन किया था इसकी जांच होनी ज़रूरी है। सहारा के डॉक्यूमेंट्स को जैसे रिलायबल नहीं मानते हैं, नहीं मान रहे हैं अभी, तो आदित्य बिरला के जो जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोला, अभी तो थोड़ी सी सुनवाई हुई थी, अभी तो उन्होंने ये भी नहीं देखा है कि आदित्य बिरला के जो अफसर थे उनसे पूछताछ करी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इन पैसों के बारे में और उन्होंने एडमिट किया कि भाई हमारे पास हाँ ये पैसे आते थे, हवाला डीलर्स अंगड़िया वाले पैसे देते थे और हम वो पैसे जो है शुभेंदु अमिताभ के कहने पर अलग अलग लोगों को दे देते थे। अच्छा, जनता के रिपोर्टर के व्यूवर्स को थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि क्या पूरा इश्यू है ये। देखिए, 2013 में सीबीआई ने बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक रेड करी, उस रेड में 25 करोड़ कैश बरामद हुआ और बहुत सारे दस्तावेज़ बरामद हुए, खासकर एक 49 पेज की एक डायरी सी थी जिसमें कि बहुत सारे डिटेल्स लिखे थे कि कैश आया, कहाँ से आया और उसके बाद वो कैश कहाँ कहाँ दे दिया गया। अब उस पर जब पूछताछ करी गई इनकम टैक्स, अनफॉर्चुनेटली सीबीआई ने उस पर कायदे से उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एफआईआर दर्ज करना चाहिए था और इसका
इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था क्योंकि प्राइमा फेसी तो ये एविडेंस दिखा रहा है ब्राइबरी का, लेकिन उन्होंने ये सारे दस्तावेज इनकम टैक्स को दे दिए। इनकम टैक्स ने उस पर थोड़ी जांच पड़ताल करी, पूछताछ करी इन लोगों से, और इन लोगों ने माना कि भाई हाँ हमारे पास ये कैश आता था और हम जो ग्रुप प्रेसिडेंट है उसके कहने पर ये कैश अलग अलग अफसरों को दे देते थे और इसको हम अपने अकाउंट में नहीं डालते थे। तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी थी कि भाई ये एफआईआर वो सीबीआई से कहते कि भाई इसमें एफआईआर रजिस्टर करिए, ये हमने जांच करके देख लिया कि प्राइमा फेसा ये सब जो पैसा दिखाया गया है ये आया है और ये दिया भी गया है और अब आप इसमें आगे जांच करिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। लेकिन वो नहीं किया गया, उसको बस इनकम टैक्स का मामला बनाकर वहीं दबा दिया गया। उसके बाद फिर 22 नवंबर 2014 को सहारा के ऊपर रेड होती है उनके दफ्तरों में, वहाँ पर 135 करोड़ रुपया कैश में बरामद होता है और कई दस्तावेज बरामद होते हैं, उनके कंप्यूटर के कुछ प्रिंटआउट निकाले जाते हैं। उस प्रिंटआउट में बहुत सारे डिटेल्स हैं कंप्यूटर प्रिंटआउट्स में, जिसमें कि लिखा है कि कब कब कितना कितना कैश आया, कब कब कितना कितना कैश दिया गया, किस किस को दिया गया, किसके हाथ में दिया गया, कौन देने गया था, कहाँ दिया गया, ये सारा डिटेल उसमें लिखा हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे सीनियर पब्लिक सर्वेंट्स के नाम हैं, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर गुजरात, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, इन सब लोगों के नाम हैं। अब इसमें जाहिर है कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का फिर से केस एफआईआर दर्ज होना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को जाना चाहिए था, लेकिन फिर से इनकम टैक्स ने उसको वहीं पर दबा दिया। और हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये दस्तावेज़ तो अप्रेजल रिपोर्ट में भी नहीं डाले गए, बिरला वाले केस में डाले गए लेकिन इसमें नहीं डाले गए। और दोनों बार जो अफसर थे इनकम टैक्स के जो इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहे थे, एक केवी चौधरी नाम के व्यक्ति, उन्होंने ही ये दबा दिए। और उसके बाद ऐसा लगता है कि इसी के एवज़ में उनको सीवीसी अपॉइंट कर दिया गया। और हम लोगों ने इसीलिए उनका और भी कई कंप्लेंट्स थी उनके खिलाफ, उनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और ये एप्लीकेशन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए डाली है कि ये भी ये दिखाता है कि भाई ये सीवीसी का पोस्ट होल्ड करने के लिए बिल्कुल अनफिट हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो दस्तावेज़ मिले जिसमें कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, वो दर्ज कराने के बजाय उनको दबा दिया।